तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत दिनों बाद आप लोग मुझे देख रहे हो। और आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं कुछ पढ़ाने आया हूँ, आज पढ़ाने नहीं आया हूं मैं आपको बिल्कुल भी। देखो सिंपल सी बात है, आज मैं आपको रिमाइंड कराना आया हूँ, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल से कर रहे हो सकता है 1.5 साल से कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपको अपनी स्टडीज के लिए एक्टिव हो जाना पड़ता है। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है। अब कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो हर बार आते हैं, वो वापस आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद। आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं ना, शेड्यूल्ड जो एग्जाम्स आपके होते हैं वो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अब वो समय आ चुका है, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे फेस्टिवल्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब आपको मेजर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा घूमते हैं, नहीं, अब घूमना वूमना आपको सब बंद करना पड़ेगा। अब टोटल आपको बिल्कुल पढ़ाई में लगना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको एक एडवाइस देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो, फर्स्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा, सेकंड सब्जेक्ट आपने पढ़ा, थर्ड सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उन सब सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। जितने भी सब्जेक्ट है सबको रिवाइज करना स्टार्ट करो। सेकंड, आप अपने फॉर्मूले का एक अलग रजिस्टर खोल लो। अगर आप सोचते हो कि यार मैं थ्योरी के साथ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूंगा, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो आप समय आने पर भूल जाओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपने एक टाइम पर पढ़े होंगे, ठीक है, तो क्या वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे सारे फॉर्मूलाज याद हैं? नहीं। फॉर्मूलाज के लिए एक अपना सेपरेट सा छोटी सी डायरी बना लो। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये होगी, आपको फॉर्मूलाज आपको सेपरेट रखने पड़ेंगे। सेकंड, जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट डे से जब आप लोग पढ़ रहे हो, फर्स्ट डे से जो आपको प्रॉब्लम आई है, अब वो समय आ चुका है कि उसको एक अलग रजिस्टर में मेंशन कर लो। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम बार बार याद रखते हैं, बार बार याद रखते हैं, बार बार याद करते हैं, बट वो हमें एग्जाम टाइम में याद नहीं रह पाती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जिस टाइम में प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा प्रिपरेशन का टाइम था, तो एक ऐसा टॉपिक था जिसको मैं आज भी नहीं भूला हूँ और उस टॉपिक को मैं हमेशा भूलता था। मैंने उसको रजिस्टर में 1 बार लिखा, मैंने उसको रजिस्टर में 2 बार लिखा, मैंने उसको रजिस्टर में 3 बार लिखा, बट ऐसा होता था मेरे साथ कि भाई उस टॉपिक को मैं भूलूंगा ही भूलूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। वो टॉपिक था क्या, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, टॉयलेटेंट, थिक्सोट्रॉफिक, इन सब के जो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, इन सब के जो एग्जांपल्स हैं कि स्टार्च किसमें है, ब्लड किसमें, मैं कितना भी याद कर लूं, वो टॉपिक कभी मुझे याद रहता नहीं था। फाइनली मैंने क्या करा, एक सुंदर सा रजिस्टर खरीदा जिसके पेपर थे फेयर, बिल्कुल जो होते ना बिल्कुल व्हाइट व्हाइट पेजेस, इज्जत बढ़ जाती है रजिस्टर की। ठीक है, तो और सुंदर रजिस्टर में कुछ भी हो गया तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो मैंने उस टॉपिक को रजिस्टर में मेंशन कर दिया। फाइनल एक रजिस्टर मैंने अपना एग्जाम से पहले ऐसा बनाया था, मुझे बता था मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, बट उस रजिस्टर को मैं 100% पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस रजिस्टर को मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो यार अब वो टाइम आ चुका है कि उस फाइनल रजिस्टर को आप लोग ओपन कर लो, जो आप बार बार बोल रहे हो, चाहे वो फॉर्मूलाज हो चाहे वो थ्योरी हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत अपना जीके भी आप पढ़ते रहो, जीके भी जरूरी है ना। जीके के लिए एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपको बोल दूंगा कि जीके अब स्टार्ट कर दो। अब लास्ट मोमेंट में मैं आपको बोलूंगा कि भाई जीके अभी भी कर सकते हो आप, इसी बात की अभी आपको नहीं करनी है क्योंकि जीके पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको मैं बोलूंगा जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो, उस दिन से स्टार्ट कर ही देना, और अभी भी वैसे पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत अपने जीके को लोग देखते रहो। तो यार इतना ही बोलूंगा लास्ट में, जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अलग सब्जेक्ट के साथ, और अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक है, चलो, ओके, बाय।